Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel. My name is Farda and today I am making kunafa. The ingredients we have to require for that is soya, maine isko acche se crush kar liya hai, cream cheese 1 bar, sugar for sugar syrup, pistachio isko maine powder bana liya hai aur yahan maine ek fresh cream le li hai. यहाँ मैंने बटर ले लिया है और मैंने शुगर ले ली है तकरीबन हाफ कप के करीब. यहाँ मैंने जर्दी का रंग ले लिया है, फूड कलर. देन मैंने 1 लेमन जूस लिया है और यहाँ पे मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है और तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पे मिल्क लिया है. अब चलते हैं मेथड की तरफ. तो हम शुगर सिरप बनाएंगे. हमारा जो मिल्क था जो हमने कॉर्न स्टार्च डाला था जिसके अंदर वो अच्छा खासा थिक हो चुका है. नाउ अब हम इसके अंदर क्रीम चीज ऐड करेंगे. तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने यहाँ पर क्रीम चीज ली है. मेक श्योर ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए. तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और ब्लेंड भी हो चुका है. आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस. अब हम क्रीम को ऑफ कर देंगे और लेयरिंग की तरफ चलेंगे. साथ ही हमने एक बाउल के अंदर एक सोयों का पैकेट लिया था और आधा पैकेट हमने जो वो होती है फेनी उसका लिया था. उसको अच्छे से क्रश कर लेंगे आप विद द हेल्प ऑफ हैंड्स. देन इसके अंदर हम इस पाउडर ऐड करेंगे हाफ कप के करीब. हम मिक्स कर लेंगे. हाथ की मदद से करें तो ज़्यादा अच्छा है. सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे बटर और सोया को अच्छे से मिक्स कर लिया है. अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है पिस्ता का जो पाउडर था उसको ऐड करूँगी साथ ही. और इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी. तो सबसे पहले हमने पैन को अच्छे से ग्रीस कर लेना है. आई मीन डिश को. देन हम इसके अंदर सोयों के लेयर लगाएंगे. और इसको अच्छे से हम प्रेस करके बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे. लेयर सरफेस होनी चाहिए इसकी. तो सोयों की हमने लेयर लगा दिया और अच्छे से फ्लैट कर लिया. अब हमने जो मिक्सचर ग्राइंडिंग किया था मिल्क के साथ और चीज क्रीम के साथ वो डालेंगे इस पर. वो अच्छे से ड्रेन करेंगे इसके ऊपर.
सेकेंड लेयर हमने लगा लिए है, अब हम दोबारा से सवैया की लेयर लगाएंगे। इसको भी हम अच्छे से फ्लैट कर ओवन मैंने प्री हीटेड करने को रख दिया था और 180 डिग्री पर। अब हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए, जब तक हम इसको डेकोर कर रहे हैं। तो मैंने इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर 20 मिनट्स के लिए। तो साथ ही हमने जो शुगर सिरप रेडी किया था हम वो उसको पसे ड्रेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर 1 पिंच जो है फ्रूट कलर्ड ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। शुगर सिरप एक तो हमारे कुनाफे को टेस्ट को इन्हांस करेगा, दूसरा इसकी सॉफ्टनेस इंक्रीज करेगा। अच्छा, आपने शुगर सिरप पहले ऐड करना और गार्निशिंग बाद में करिए, मैं ज़रा यहाँ पर भूल गई थी ये स्टेप, तो इस वजह से मैं इसको अप कर रही हूँ। दोबारा से हम इसकी क्रीम गार्निशिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पैचुला ऐड करेंगे। So this is the final look of my kunafa. If you like my video, please do subscribe my channel. I must share it. और इन द लास्ट आपने इसको फ्रिज में रखना है फॉर 1 to 2 hours के लिए, ताकि अच्छे से चिल हो जाए।